हजारीबाग में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आइसोलेशन वार्ड से निकलकर शहर के चौक चौराहों में घूमने की खबर ने जिला प्रशासन और अस्पताल की नींद उड़ा दी है। आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक, क्या दोषियों पर होगी कार्रवाई? एक रिपोर्ट। अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। हजारीबाग में कोरोना पॉजिटिव मरीज आइसोलेशन से निकला बाहर, आइसोलेशन से निकलकर घंटों शहर में घूमता रहा मरीज। शहर के कई लोगों के संपर्क में आया कोरोना पॉजिटिव मरीज। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के कोरोना संक्रमित मरीज के आइसोलेशन वार्ड से निकलकर शहर के चौक चौराहों में घूमने की खबर ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आसनसोल से विष्णुगढ़ लौटे इस मरीज को संदिग्ध के तौर पर हजारीबाग सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, लेकिन इससे महज एक दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीज ने शहर के झंडा चौक में चाय पी, साथ ही लिट्टी चोखा का भी आनंद उठाया। अब मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ जिला प्रशासन की नींद उड़ी है, वही अस्पताल प्रबंधन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इस लापरवाही ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर आइसोलेशन से बाहर कैसे निकला कोरोना पॉजिटिव मरीज? क्या आइसोलेशन वार्ड में नहीं थी सुरक्षा की व्यवस्था? आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? अगर शहर के लोगों में संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के पास है इसका जवाब? क्या ऐसी लापरवाही से लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई? इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ी चूक है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं तुरंत इसको संज्ञान में लेकर तुरंत अभी दिखवाता हूँ। आपके पास यदि कोई फुटेज है तो आप प्लीज हमको भेजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यदि ऐसा है तो तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के इस लापरवाही ने हजारीबाग के लोगों की नींद उड़ा दी है। अगर शहर में संक्रमण फैलता है तो क्या सिर्फ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करना ही काफी होगा? न्यूज 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम के साथ रांची से विपिन की रिपोर्ट। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। खुद हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर सूबे के जुड़ रहे हैं, बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका बन्ना गुप्ता जी न्यूज 11 भारत में। बन्ना गुप्ता जी, बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर सामने आई है, जब ऐसे में पूरा देश अलर्ट मोड पर है, राज्य अलर्ट मोड पर, लॉकडाउन है और एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, अगर उस वक्त वो पॉजिटिव ना भी हो तो क्वारंटाइन में रखा गया था, कैसे वो सदर अस्पताल से बाहर निकला, आराम से घूमा फिरा और फिर अंदर आ गया, इससे कई लोग संक्रमित हुए होंगे, बड़ी लापरवाही का ये मामला बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसको तुरंत मैंने संज्ञान में लेते हुए इसमें तुरंत हमने उपायुक्त हजारीबाग से भी रिपोर्ट मांगी है, हमारे सिविल सर्जन से भी रिपोर्ट मांगी है और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उस पर तुरंत जो है हम लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर जब पूरा देश लॉकडाउन है, हमारा झारखंड लॉकडाउन है, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और उसके बाद यदि मरीज पॉजिटिव होने के बाद यदि वो निकलता है, निकलकर घूमता है, तो ये इसका मतलब है कि ये अस्पताल प्रबंधन की ये बड़ी लापरवाही है और इसकी जो है इसकी जवाबदेही तय की जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी, इसकी जवाबदेही तय करके कार्रवाई की जाएगी। बन्ना गुप्ता जी, ये सिर्फ एक अस्पताल की तस्वीर सामने आ पाई है, लेकिन जहां जहां ऐसे कोविड वार्ड बनाए गए हैं यही व्यवस्था कमोबेश सभी जगह होगी? क्या सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है? आइसोलेशन वार्ड में कोई सुरक्षा कर्मी बाहर मौजूद नहीं रहता है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट अंदर हो तो उसे बाहर जाने से रोका जा सके? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं कमी खामी होती है। कमी खामी आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जी। और आपके द्वारा जो है यदि कोई चीज संज्ञान में लाई जाती है तो उसको हम लोग गंभीरता पूर्वक उस पर जो है
जांच करेंगे, जांच करके उसका समाधान करने के पूरा प्रयास होगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी जो है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए बन्ना जी, उम्मीद भी आपसे यही है कि ऐसे मामले संज्ञान में आए तो उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए, ताकि ये महामारी का वक्त, एक छोटी सी चूक भी बड़ी महामारी का रूप ले लेगी। और चूंकि कोरोना को लेकर लोग डरे हुए हैं, कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो फिर संभालना राज्य के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अब बन्ना जी, एक और सवाल है, धनबाद पीएमसीएच में कोरोना जांच के लिए मशीनें लगी हुई है, लेकिन सप्ताह भर हो चुके हैं, जांच शुरू नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है? नहीं, इसको लेके जो है ना, आरटीपीसीआर मशीन है, उसका स्थापन हो चुका है पीएमसीएच में भी और इटकी में भी, लेकिन उसके इंजीनियर को आने में शुक्रवार तक इसका पूरा अधिष्ठापन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि वहां भी जांच शुरू हो, ताकि धनबाद के लोग को भी राहत मिले, और कोई अगर ऐसा संदिग्ध लगता है या फिर किसी को लगता है उसे कोरोना हो सकता है तो वो जांच के लिए आ गया है। अब बन्ना जी, एक और सवाल है, जब ये खबर हमारे सामने आई कि जो कोरोना पॉजिटिव है हजारीबाग में, उसके संदर्भ में जब वो घूमा फिरा, कई लोग संक्रमित हुए होंगे, जब हमने बात करने की कोशिश की कई जिला पदाधिकारियों से, सिविल सर्जन से, तो किसी ने भी बात नहीं की हमसे, फोन काटते रहे, प्रतिक्रिया देने से इनकार करते रहे, ऐसा क्यों? अगर मामला सामने आया है तो उस पर अपनी बात रखनी चाहिए ना। नहीं, ये ठीक है, आप आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन चूंकि उसके लिए जो अधिकारी अधिकृत हैं, वो अधिकारी उसके लिए बयान उनको देना चाहिए, और यदि वो नहीं दे रहे हैं तो आपने, चूंकि मैं इस टीम का कप्तान हूँ, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे सीधा संवाद किया है, कोई लाग लपेट नहीं किया, मैंने सीधा आपको जवाब दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, इसका पूरा गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाएगा, और संज्ञान लेके इस पर जो है जो भी दोषी रहेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। बन्ना जी, चार मरीज आ गए हैं झारखंड में, दो मामला तो रांची से ही सामने आया है, कितना तैयार है राज्य ऐसे कोरोना के बढ़ते हुए मामले को संभालने के लिए? क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किट है, पीपी, जो डॉक्टर्स के प्रिकॉशन के लिए तमाम जो उपकरण होते हैं, क्या वो किट है हमारे पास? हमारे पास देखिए बहुत सारे जो भी संसाधन के लिए जरूरत है, वो सारा संसाधन जो है वो किट वगैरह जो है, पीपी किट की जरूरत है, थर्मल स्कैनर है हमारा, वेंटिलेटर की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, N95 मास्क की जरूरत है, तो सभी तरीके से हम लोग अपने जो है इसमें तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही तेज गति में हम पूरे जो है इस राज्य के जितने हमारे अस्पताल हैं, कहाँ पर क्वारंटाइन किए जाएंगे, कहाँ पर जो है आइसोलेशन वार्ड बनेगा, कहाँ पर कोविड आईसीयू वार्ड बनेगा, कहाँ कोविड नॉर्मल वार्ड बनेगा, तो सभी चीज़ों पर अध्ययन किया जा रहा है। इवन बहुत सारे होटल हैं और बहुत सारे सामुदायिक केंद्र हैं, उनको भी जो है टेक ओवर किया गया है, तो हम पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार हैं, और इस महामारी के विरुद्ध में झारखंड की जनता एकदम सरकार के साथ कृत संकल्पित है। तैयारियां कब तक हो जाएंगी बन्ना जी, क्योंकि जिस तरह से अब मामले सामने आ रहे हैं, तो अगर कम्युनिटी स्प्रेड का मामला बनता है, इनपीडी की अगर बात करें तो क्या लगता है ये कम्युनिटी स्प्रेड का मामला है? क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया, फिर से दोहराइए। ये हिंदपीढ़ी में दो मामले सामने आ गए हैं, तो क्या कम्युनिटी स्प्रेड का ये मामला लग रहा है, क्या आकलन कर पा रहा है स्वास्थ्य विभाग? अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से मामले सामने आएंगे और तब शायद संभालना मुश्किल हो। नहीं, आपकी बात से सहमत है, लेकिन चूंकि दोनों जो भी पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने किन किन लोगों के साथ बातचीत किया, मिले हैं, संपर्क स्थापित किया, वो सारी चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक जो है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जो लोग उसमें उनके संदिग्ध होंगे, उनके साथ जुड़े पाए जाएंगे, उन लोगों को भी जो है क्वारंटाइन करके उनका भी ब्लड सैंपल लेकर जाँच की जाएगी।
चलिए बन्ना जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम भी जानते हैं कि ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है। कोरोना से राज्य को लड़ना है, राज्य के नाम आपको संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, तो आप न्यूज 11 भारत के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ झारखंड के लोगों को कि ये वैश्विक संकट है, ये महामारी है और इससे बचाव का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, एक दूसरे को दूर रहना है और साथ में संयम के साथ, सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ रहना है। और इसको जो है, जो लोग हमारे पदाधिकारियों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप उनके साथ अभद्रता नहीं कर रहे हैं, उनका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद अपनी जान माल के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी आए, उनको सहयोग कीजिए, उनको सहायता दीजिए और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है उसका पालन कीजिए, तभी जाकर इस महामारी से हम आप बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़े हुए थे। बहुत गंभीर हजारीबाग वाले मामले को लेकर वो नजर आए। उन्होंने कहा कि लापरवाही हुई है और इसमें कार्रवाई जरूर होगी, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि राज्य सरकार लगातार बैठकें कर रही है और कई ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए या कोविड वार्ड बनाया जाए और इस पर काम लगातार जारी है। ये माना मंत्री जी ने कि कई चीजों की कमी है और उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं है, पीपीई किट नहीं है, टेस्ट किट नहीं है, जो पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी।